हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कि आज हम क्या कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं, तो अब आपको बताऊंगा कि रियलमी 6 बेहतर है या फिर रियलमी 6 प्रो, या आपको कोई मोबाइल परचेज करना है जो गेमिंग के हिसाब से बेहतर हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतर हो, बैटरी एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत ही बेहतर हो, तो इन दोनों में से हमें कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया गया कि रियलमी 6 खरीदे या फिर रियलमी 6 प्रो। दोनों ही बहुत ही कमाल के फोन नजर आ रहे हैं, बैटरी दोनों में सिमिलर देखने को मिल रही है, फीचर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि दोनों में क्या अच्छा आपको देखने को मिलता है, हमें कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहिए। अगर दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों सुबह अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। जो Realme 6 है उसकी डिजाइन आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है, साथ ही सिंगल पंच और डिस्प्ले दिया गया है। पर आपको ये बात बता दूं दोस्तों, पीछे की तरफ जो ग्लास नजर आ रहा है वो ग्लास नहीं है, वो शाइनिंग में प्लास्टिक है, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पीछे की तरफ प्लास्टिक बॉडी दी गई है, साथ ही सिंगल पंच और पीछे क्वाड कैमरा सेटअप दिखाया गया है। और दोस्तों बता दो इसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशमेंट देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही स्मूथ है। इसी के साथ साथ दोस्तों 16 मेगापिक्सल का आगे कैमरा दिया गया है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों डिजाइन तो बहुत ही अच्छी, और फिंगरप्रिंट सेंसर कहाँ पे है तो पीछे की तरफ नहीं दिया गया, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब बात करते हैं रियलमी 6 प्रो की, तो रियलमी 6 प्रो में भी आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशमेंट देखने को मिलती है। पर दोस्तों कैमरा में कुछ चेंजेस किया गया, जिसमें सिंगल पंच होल की जगह ड्यूल पंच होल दिया गया है और वो डिजाइन बहुत ही बेहतर है, पोको एक्स टू की तरह दिख रहा है, तो कमाल की डिजाइन देखने को मिल रही है। पर दोस्तों रियलमी 6 प्रो में प्लास्टिक की जगह ग्लास का यूज किया गया है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आगे की तरफ पीछे की तरफ दोनों में आपको दिखने मिल जाती है। वही दोस्तों रियलमी 6 में आपको प्लास्टिक दिया गया, पर आगे की प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 की दी गई है, जो कि बहुत ही बेहतर है, जो कि रियलमी के 5 सीरीज में हमको ये देखने को मिसिंग लगी थी। वही दोस्तों कमजोरी को दूर किया गया रियलमी 6 सीरीज में। बात कर लेते हैं हम कैमरा परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही मोबाइल में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस दोनों ही मोबाइल में, पहले बात करते हैं रियलमी 6 की, तो दोस्तों रियलमी 6 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, वही दोस्तों टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो दोस्तों कैमरा में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, साथ ही साथ 10x का जूम भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं रियलमी 6 प्रो के पीछे बैक कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, सोनी का नहीं मिलता है, तो सैमसंग का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही मोबाइल में। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है रियलमी 6 प्रो में, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कैमरा दिया है रियलमी 6 प्रो में, जो कि रियलमी 6 से थोड़ा सा बेटर है। पर दोस्तों सेंसर दोनों में सिमिलर देखने को मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जिससे कैमरा के दोस्तों थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपको। अगर बेहतर कैमरा आपको लेना है तो रियलमी 6 प्रो आपके लिए बेहतर रहेगा, और ठीक ठाक कैमरा चाहिए 64 मेगापिक्सल का तो दोस्तों रियलमी 6 बहुत ही अच्छा मोबाइल है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फी मोबाइल की, तो आपको रियलमी 6 में पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं रियलमी 6 प्रो की, तो इसमें ड्यूल सेल्फी एक देखने को मिलती है, जिसमें 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी, जो कि बहुत ही बेहतर है, 20x जूम के साथ आती है दोस्तों। तो दोस्तों जूम के हिसाब से बहुत ही बेहतर है जो रियलमी 6 प्रो है, इसमें 20x हाइब्रिड जूम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपको माइक्रोशॉट देखने को मिलता है। जो पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से दोनों ही मोबाइल सिमिलर नजर आते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको मैंने बताई। तो अब बात करें प्रोसेसर की, तो रियलमी 6 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वही रियलमी 6 प्रो में स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतर है, और आपने दोनों ही प्रोसेसर के मोबाइल भी देख लिए होंगे, आपको G90T तो रेडमी के नोट 8 में आपको देखने को मिला था, बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो बैटरी एफिशिएंसी देखने को मिलती है जो G90T में बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अब वही बात करें रियलमी के 6 प्रो की, इसमें आपको 720G मिलता है, दोस्तों क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर तो कमाल का होता ही है, क्योंकि इसमें गेमिंग और परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। तो दोस्तों दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, पर गेमिंग के हिसाब से दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप दोस्तों इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहते हैं, जिसकी 12,999 स्टार्टिंग प्राइस है रियलमी 6 की, तो गेमिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही बेहतर मोबाइल है, और थोड़ा आप ज्यादा फीचर चाहते हैं जिसमें 20x जूम देखने मिलता है,
तो दोस्तों आप वही खरीद सकते हैं रियलमी 6 प्रो। अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा है। बैटरी और चार्जिंग की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल में सिमिलर देखने को मिलती है। 4300 एमएएच की बैटरी, यूएसबी टाइप सी का प्रयोग किया गया जो कि रियलमी 5 में मिसिंग आया था। दोस्तों रियलमी 6 में दोनों ही मोबाइल में आपको सी पोर्ट देखने को मिलता है जिससे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल में 30 वाट का चार्जर मिल जाता है चार्जिंग सपोर्ट दोस्तों, साथ ही साथ चार्जर भी आपको साथ ही इन द बॉक्स मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतर बात है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग की, तो आप बहुत ही अच्छी स्पीड देखने मिल जाएगी चार्जिंग की जो कि 30 से 35 मिनट में आपका मोबाइल 40 से 50% तक हो जाएगा चार्ज जो कि बहुत अच्छी बात लग रही है दोस्तों। अब बात की जाए दोनों ही मोबाइल की प्राइस की, तो Realme 6 आपको 12,999 की प्राइस से स्टार्टिंग देखने को मिलता है जिसमें 4GB 64GB RAM देखने को मिल जाता है। वही बात की जाए दोस्तों अगला वेरिएंट 1,000 रुपए ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें 6GB RAM 128GB RAM देखने को मिल जाते हैं जिसकी 13,999 की प्राइस रखी गई है। अब बात करें Realme 6 Pro की, तो दोस्तों बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट लगाया था कि 14,000 से 15,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा, पर हमने आपको बताया था कि 16 से 17,000 की प्राइस जाने वाला है Realme 6 Pro क्योंकि फीचर इस हिसाब से दिए गए थे कि दोस्तों प्राइस ज्यादा रहने वाली थी, पर इतनी ज्यादा रहेगी ये भी नहीं हमने सोचा था। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, तो 16,999 की सिंपल प्राइस रखी गई है जिसमें आपको 6GB 64GB RAM देखने को मिल जाती है। दोस्तों रैम बेहतर है, रोम थोड़ा 128 होता तो बहुत ही बेहतर रहता। एक अगला वेरिएंट 8GB 128GB देखने को मिल जाते हैं, 17,999 की प्राइस रखी गई है, फिर 18,999 की प्राइस। तो दोस्तों प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, इससे बेहतर दोस्तों रियलमी का मोबाइल से बेहतर Poco X2 हम ले सकते हैं जिसकी प्राइस 15,999 पे है जिसमें 720 30G देखने को प्रोसेसर मिल जाता है, बैटरी चार्जर 500 mAh की देखने को मिल जाती है, 27 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, ड्यूल पंचोल मिलता है, कैमरा बहुत ही बेहतर है दोस्तों Poco X2 का। तो दोस्तों फिर आप कंपेयर कीजिए कि दोनों में से कौन सा मोबाइल बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि Poco X2 या Realme X2 में से कौन सा बेहतर है, Realme का 6 Pro से कौन सा बेहतर है, तो दोस्तों आप हमने एक वीडियो बना के डाला है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जल्दी दोस्तों हम Realme के X6 सीरीज का और Redmi के 9 सीरीज का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और भी हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, अच्छे से अच्छा वीडियो दोस्तों आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश।